2017 की ईद पर सलमान खान लेकर आ रहे हैं अपनी खास फिल्म ट्यूबलाइट। जी हाँ, इस साल ट्यूबलाइट जलेगी। ईद पर वैसे सलमान हर साल कुछ ना कुछ खास लेकर आते हैं और दर्शक भी उन पर बम्पर प्यार दर बरसाते हैं। लेकिन जानते हैं ये सिलसिला शुरू कहाँ से हुआ? 2008 की वांटेड से। 2008 की वांटेड रिलीज होने तक सलमान खान के करियर और उनके स्टारडम पर खतरा मंडरा रहा था। ईद पर प्रभु देवा के निर्देशन में बनी वांटेड क्या रिलीज हुई, उसके बाद से तो सलमान खान की ईद पर चांदी ही होने लगी। 2008 में वांटेड का रिकॉर्ड था 60 करोड़ का। 2010 की ईद पर रिलीज हुई थी सलमान खान की दबंग, जी हाँ हुड़हुड़ दबंग, जिसमें वो बने थे चुलबुल पांडे। उनकी इस फिल्म का अंदाज दर्शकों को इतना पसंद आया कि फिल्म का लाइफटाइम कलेक्शन रहा 140 करोड़। 2010 के बाद लगातार 2 साल के गैप पर सलमान 2 फिल्में लेकर आए, एक था टाइगर और किक। 2012 में आई एक था टाइगर की सफलता का अंदाजा इसी बात से लगाइए कि सलमान और कटरीना की जोड़ी को दर्शकों ने कभी पर्दे पर पसंद नहीं किया, लेकिन ईद का तोहफा भरपूर दिया। फिल्म ने कमाए थे करीब 200 करोड़। 2012 में एक था टाइगर रिलीज होने के बाद 2014 में सलमान खान की ईद पर रिलीज हुई किक। इस फिल्म को से भी सलमान खान को ज़बरदस्त सफलता मिली और फिल्म ने करीब 232 करोड़ की कमाई की। इसके बाद तो मानो ईद पर सलमान खान की फिल्में रिलीज होने का सिलसिला ही चल निकला। 2015 में सलमान खान लेकर आए बजरंगी भाईजान, इमोशनल सा चेहरा, क्यूट सा करेक्टर और मुन्नी को पाकिस्तान पहुँचाने की सिद्ध। सलमान खान के इस किरदार को दर्शकों ने इतना पसंद किया कि देखते ही देखते सलमान खान की ये फिल्म 300 करोड़ क्लब में एंट्री कर गई। इसके बाद 2016 में सलमान खान लेकर आए सुल्तान। जी हाँ, तभी से तो उन्हें बॉक्स ऑफिस का सुल्तान कहा जाने लगा। सुल्तान में सलमान खान ने हरियाणवी अंदाज में जो बोले और पहलवानी के दाम पे जैसे दिखाए, उससे तो दर्शकों ने उन पर बम्पर प्यार बरसाया। बम्पर प्यार समझ गए ना, यानी कि ज़बरदस्त बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। फिल्म ने कमाए करीब 400 करोड़। अब जब 2017 में सलमान खान ट्यूबलाइट लेकर आ रहे हैं तो देखने से तो यही लगता है कि इस बार ईद पर सलमान खान फिर जोरदार रिकॉर्ड बनाएंगे।